जहां एक ओर शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बार बार दावे कर रही है, वहीं जमीनी स्तर पर सरकारी विद्यालयों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश में निजीकरण का कुछ ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि अब सरकारी अधिकारी शिकायत लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसा ही एक मामला आज जनसुनवाई के दौरान देखने को मिला, जहां एक विद्यालय की प्रधानाध्यापिका विद्युत विभाग के द्वारा गाड़े गए खंभों को निकलवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिल्या गांव का है। यहां के शासकीय प्राथमिक शाला में विद्युत विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खंभे गाड़ दिया गया है। विद्यालय पांचवी तक का है और मैदान छोटा होने के कारण जब इस बात के लिए प्रधानाध्यापिका के द्वारा ऐतराज किया गया तो उसकी एक भी नहीं सुनी गई। सरकारी सिस्टम पर निजीकरण कुछ इस तरह से भारी पड़ा कि अब विद्यालय के प्रधानाध्यापिका जिला शिक्षा अधिकारी सरपंच कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। जी सर, हमारे स्कूल परिसर में छोटा सा फील्ड है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के खम्भे या बिजली के खम्भे, पता नहीं मुझे कि क्या करना है वहाँ पर, गड़वा दिए हैं। छोटा सा फील्ड है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा सर? जी अब सर ये ठेकेदार गाड़े हैं कि कौन गाड़ा है इसकी जानकारी हमको नहीं है। इलेक्ट्रिक खम्भे हैं जी। तो अभी आपने MPV को हम नहीं किए हैं सर, वो गोविंदगढ़ मेरा लगता है तो हमें मैं पहुँच नहीं पाई हूँ। एक शिक्षकी विद्यालय है, मेरे यहाँ 49 बच्चे हैं तो मैं सर वहाँ जा नहीं पाई। कहाँ का मामला है? ये सिकुरवा संकुल का है। जी ये PS अमिल्या खेर सिकुरवा 601 का है। मैं जिला पंचायत में की हूँ सर, और पंचायत में की हूँ, अपने यहाँ ग्राम पंचायत में की हूँ।